This was one of the most beautiful sunrise that I have seen. हम पहुंच चुके हैं चिपर पॉइंट. Oh shit! हमको यहाँ से पर भी आना है तो भाई साहब दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल. गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल. उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे. सो गाइज वी आर इन द रन ऑफ कच्छ. ढोला वेरा वाला रोड है ये. हम आए थे सुबह 6 बजे फॉर द सनराइज और ये सन पीछे निकल चुका है. आपने तो टाइम लैप्स देखे रहेंगे. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सनराइज दैट आई हैव सीन टिल डेट. अभी यहाँ से अगले पॉइंट पे जाएंगे चिपर पॉइंट. सो गाइज आप देख सकते हो जहाँ तक नजर जाती है कुछ भी नहीं, सन्नाटा, शांति, पीस. इट्स रियली ब्यूटीफुल गाइस. एक बार तो कच्छ आना चाहिए आपको और कच्छ आ रहे हो तो ढोला वगैरह आना चाहिए. आप ढोला वगैरह जाओगे तो पूरा कमर्शियल है वो, बहुत भीड़ रहेगी. बट यहाँ पे आपको पीस शांति मिलेगी, कोई भी नहीं है. देखिए भाई क्या ही जबरदस्त नज़ारे हैं, मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग. तो गाइस अभी शुरू होता है ऑफ रोड और हम जा रहे हैं चिपर पॉइंट. बोले धीरे धीरे चल, होले होले. तो गाइस आप देख सकते हो, आपने तो पहले भी देखा ही है बट सी इट द सेकेंड टाइम. अभी हम दोपहर में आए थे, आफ्टरनून में, काफ़ी धूप थी यहाँ पे और आज हम सुबह आए तो वी विल बी एंजॉयिंग इट मोर बिकॉज धूप में थोड़ा एंजॉयमेंट कम हो जाता है. इट्स एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस. मतलब पिछले बार है ना जो रोड का सीधा सीधा था लेकिन वहाँ पे काफ़ी न्यूसेंस होने लग गया. इसके लिए बीच में इन्होंने एक ट्रेंच खोदा है कि गाड़ियाँ उस तरफ नहीं जाए. बट थैंक्स टू फिरोज भाई. मैं फिरोज भाई से आपको मैं फिरोज भाई से मिलाता हूँ बाद में.
और बताता हूँ वो क्या करते हैं कच्छ में। बेटा भी वहां और आगे अभी बैठ सकते हैं। पहले सीधा सीधा रास्ता था ट्विस्ट। और पेट्रोल बंद हो गया। नहीं नहीं वो टेढ़ा हो गया था ना इसके लिए आया था। अभी रुकेगा चल चला कौन तू पास में तो हम लोग वॉक करके आ जाए। अरे ये कौन फोन कर रहा है? राकेश उठा उंगली कर। हेलो अरे तो विनोद थोड़ा गिर गया। आ रहा आ रहे आ रहे। हाँ ओके 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 बच्ची थी ना। हाँ ठीक है ओके आ रहे आ रहे। बैठे देखते ना। I'm getting time. इसका गियर लिए शायद से अंदर चला गया बंद हो गया वो। अरे वॉट रुक 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 आता हूँ चल भाई चला गया गियर उठस। सो गाइस दिस इज द चिपर पॉइंट। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा रहेगा ये जो रॉक है जिसके काफ़ी लोग खड़े रहते थे फोटो निकालने के लिए। पिछले बार तो मैंने दिखाया था आपको मेरी वीडियो में बट यहाँ पे काफ़ी न्यूसेंस हो रहा था इसी वजह से फॉरेस्ट वालों ने देखो इसके ऊपर ये सब कांटे वाले कांटे डाल दिए ताकि कोई उस पर जाए नहीं। और काफ़ी सारे रास्ते में ट्रेंचेस है ना खुदे हुए हैं तो कोई आए नहीं यहाँ पर। ये पीछे कितना खूबसूरत है सो ब्यूटीफुल। दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। आई कैन टेल यू द फीलिंग जो यहाँ पे आने की है मतलब खुद की आंखों से देखने की। आपको तो वीडियो में मज़ा आता रहेगा बट यू शुड कम हियर एंड आई एम टेलिंग यू कच्छ आप बोलोगे रेत है बंजर है बट इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो चलो मैं आपको सिनेमेटिक्स दिखाता हूँ कुछ।
सो गाइस अभी हम चिप्पर पॉइंट से निकल रहे हैं और अभी जाएंगे फिरोज भाई के पास, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड ब्रेकफास्ट के बाद विल गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। सो गाइस मैं अभी राकेश भाई के पीछे बैठा हूँ क्योंकि विनोद भाई मेरी गाड़ी चला रहे हैं। आप देख सकते हो ये पूरा ऑफ रोड है। उतर गया रुक। तो यहाँ पे लोगों को आने से रोकने के लिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे ट्रेंचेस थोड़े खोदे हैं, खड्डे खोदे हैं, फिर ये पत्थर रखे हैं साइड में। लेकिन यार बाइकर फिर भी अपना रास्ता बना ही लेते हैं। ये जानबूझ के सब खोला है क्योंकि यहाँ से पहले रास्ता हुआ करता था और यहाँ पे तो कारें भी आती थी स्विफ्ट वगैरह। कौन भाग रहा है बोला क्योंकि भाई सुबह जब हम चला रहे हैं यसडी एडवेंचर, पहली बार मैं चला रहा हूँ। सो गाइस हम आ चुके हैं फिरोज भाई के घर पे, हमारे होम स्टे में, और मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट। इसको थोड़ा पाउडर करके डालना पड़ेगा, पाउडर करके। पराठा, दिस इज गुड़ की चिक्की, ये क्या है? गुड़ और तेल की चिक्की। और ये मूंग दाल का, ये हाँ क्या बोलते हैं उसको, मिठाई। एंड दैट इज पोहा। आपको मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, दो तीन खा गाइस। जस्ट देखो ये बैकग्राउंड में, ये घर है गांव जैसा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है नीम के पेड़ के नीचे, मतलब इट्स एन अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, क्या ही चाहिए। और ये हमारे फिरोज भाई राइडर कम्युनिटी में, तो भाई को घुमा रहे अच्छे से। तो ये फिरोज भाई है, अगर आप ढोला भी आते हो तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा अभी, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। मतलब आप नॉर्मली आते हो रिजॉर्ट में और यहाँ पे आने में बहुत फ़र्क है। इनफैक्ट ये आपको ना ये गाइड भी करते हैं आसपास के जो एरिया जहाँ पे यूजुअली लोग नहीं जाते वहाँ पे लेके जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज़ गॉट सम कलेक्शन, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि फिरोज भाई अपार्ट फ्रॉम ये होम स्टे जो चलाते हैं और बाइकर्स को जो घुमाते हैं, ही हैज सम कलेक्शन ऑफ रॉक्स एंड फॉसिल्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉसिल्स बोलते हैं, देखो कितना शानदार है। और ये क्रिस्टल्स पूरा जो पहाड़ों में मिलता है, और ये बोन पूरा हड्डी डायनासोर की जाति आती है ना सौरोपोड, उसका है आइडेंटिफिकेशन करके माइक्रो फीचर करके पेलियोंटोलॉजी फिर पता चलता है। वैसे बहुत मिले, ये हमारे को पेट्रीफिड वुड लकड़ी, वैसे बहुत से कलेक्शन, ये भी आप देख सकते हो पूरा। What is this? ये बीड मोती। ओके। एक हरप्पन के टाइम का है। ओके, हरप्पन टाइप का टाइम का। ये तो अभी लेटेस्ट है, ये माड़ी बीच से मिला है। ओके। सो गाइस आप देख सकते हो ये इनका कलेक्शन, और ये इन्होंने खुद एक्सकवेट किया है और कलेक्शन में लाया है। फिरोज भाई ये क्या? ये जिप्सम है। ओके, जिप्सम। दिस इज जेली। हाय जेली, हाउ आर यू? सो ये है हनीकॉम स्टोन, पूरे हनीकॉम जैसा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? नवंबर टू फरवरी रहता है पूरा, क्योंकि बेस्ट टाइम है वो,
कच्छ के लिए, क्योंकि फिर विंटर में तो गर्मी स्टार्ट होता है, तो मार्च में तो फिर कोई टूरिस्ट आते, ये जो फोसियल पे जो आते हैं वो लोग, डायनासोर की जो हड्डियाँ है, बोन, ये सब जो ढूंढते हैं लोग, पेलियोटोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, उनकी टीमें आती है रिसर्चिंग करने के लिए। बाकी मेन टूरिस्ट सीजन नवंबर टू फरवरी है। और बारिश वगैरह होती है यहाँ पे? बारिश बहुत अच्छी होती है, फिर लाखों की तादाद में फ्लेमिंगो भी आते हैं जब डेजर्ट भरता है। ये खड़ीद बेट हमारा पूरा एक आईलैंड है, बेट बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, तो बहुत अच्छा शानदार नज़ारा है। धोड़ों में लोग जाते हैं और ओनली डेजर्ट मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे सब है, आर्कियोलॉजिकल साइट, गुड फोसिल पार्क, सीपर पॉइंट, सब ऐसे लोकल साइट्स भी बहुत है, मतलब खड़ीर बेट में सब कुछ है। मतलब इनफैक्ट डोडो से ज्यादा खड़ीर बेट को प्रमोट करना चाहिए। हाँ, अभी तो क्योंकि रन उत्सव भी यहाँ लगने वाला है नेक्स्ट साल से, विंड फार्म लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर तो शायद यहाँ पे भी लगेगा धोला भी। ओके, चलो फिरोज भाई, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ हमारे अगर दोस्त लोग आते हैं, आप उनको ऐसे ही हमको जैसे खुश किया वैसे उनको भी खुश करेंगे। पक्का पक्का, डन। भाई सभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिरोज भाई हमको एक ऐसा छुपा हुआ खजाना दिखाने वाले हैं। So guys, see this adventure. Adventure चाहिए ना आपको ये लिखे, क्या बात है, क्या बात है भाई। This is like, oh, freak. So guys, देख सकते हो हमारी गाड़ी फंस चुकी है।